बिहार की चुनावी फिजा ही बदल जाती है। चुनाव में जितने बंदूक निकलते थे, सारे बंदूकों को निकालने का मौका ही नहीं मिलता है, बंदूक अंदर ही रह गया। भाई ये क्या है? ये राजनीति में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन कहां से हुआ, कैसे हुआ? उसकी वानगी बिहार में किसी को यकीन ही नहीं होता था कि बिना रक्तपात के चुनाव हो जाएगा। आज दिल्ली में जो परिवर्तन हुआ, उसकी जद में किसी को यकीन ही नहीं होता था कि तीन तीन बार के मुख्यमंत्री को कौन हरा सकता है, शीला दीक्षित को। तो जब अभी हम पढ़ रहे थे पूरी बायोग्राफी केजरीवाल की, बहुत सामान्य से घर का वो आया इंसान, एक तड़प लेकर के, जैसे होता है आम आदमी एक नौकरी पाकर के संतुष्ट हो जाता, चाहता तो वो भी संतुष्ट हो ही जाता। आईआईटीएन था, टाटा में नौकरी मिली थी इंजीनियर की, इंजीनियरिंग सेक्शन वालों से उसने अपील की कि हमें सोशल वेलफेयर में डाल दो, उसमें हम काम करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग से मेरा मन संतुष्ट नहीं है, नहीं माना। तो एक काम करने की जो तड़प थी, उस समय मदर टेरेसा का आश्रम जो कोलकाता में चलता था, कोलकाता ज्वाइन किया। तो मित्रों, आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब तक आपके अंदर ऐसी कोई तड़प नहीं होगी अपने लिए, समाज के लिए, अपने समाज राष्ट्र गांव के लिए, तब तक आप बहुत कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। एकदम सनकी टाइप से तड़प होनी चाहिए। बार बार ये जो आपसे बताया जाता है, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये आपकी उस जिज्ञासा को, उस पिपासा को और मजबूत करता है। आप जो एक संकल्प लेते हैं, आप चीजों को पूरा करने का जो एक मन बनाते हैं, उसमें एक पोषण देने का काम करता है। अभी भाई निशांत बता रहे थे, तो ये जो साधना, स्वाध्याय बार बार आपसे कहते हैं, अपील करते हैं, तो ये जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ एक्सरसाइज जरूरी है, आप कर लेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका जितना ज्वाइंट है सब चालू रहेगा, सब में रक्त प्रवाह बेहतर तरीके से हो सकेगा, उसी तरह से, ठीक उसी तरह से यदि मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, मानसिक रूप से आप मजबूत रहना चाहते हैं, आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। आप विजनरी कैसे होंगे? अभी तक आपको लग रहा है कि एन केन प्रकार एक नौकरी हासिल कर लें तो सारी समस्या हमारी समाप्त हो जाएगी, लेकिन हम तो कहते हैं कि असली समस्या आपकी तब शुरू होगी जब आप नौकरी करेंगे और व्यावहारिक जीवन में जाएंगे। आज बहुत सारे अधिकारियों के दिल्ली में हाथ पांव फूल रहे हैं, फाइल से कागज निकाल के जला दे रहा है, कोई कागज फाड़ रहा है, तो कोई अपना ट्रांसफर करवा रहा है, क्या हो गया भाई? तो पूरी तैयारी आप नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में आप बिल्कुल पिछड़ जाएंगे। तो आपको अभी से आने वाले समय की तैयारी करनी पड़ेगी। एक समय चला, हवा चला, आईटी सेक्टर में जॉब का, यदि आप उससे आगे की नहीं सोच पाएंगे तो आईटी में एक मंदी का दौर चला, बहुत सारे लोग बेकार हो गए। तो आपका विजनरी, आपका विजन यदि बड़ा नहीं होगा, आप विजनरी पर्सनालिटी के नहीं होंगे, तो दुनिया के रेस में पिछड़ जाएंगे। अब जो राजनीति आ रही है, और भी जो नौकरी पेशा आ रहा है, बहुत ईमानदारी, सादगी से अपने आप को प्रस्तुत करने का एक फैशन सा चल पड़ा है। अब आप कहेंगे कि हम वो एक खास जमाने में जब यहां पे बड़े बड़े डॉन लोग चलते थे, उस जमाने में की राजनीति करेंगे, तो अब तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो समय के साथ बदलने का जो एक नजरिया होता है, हम जो साधना की बात करते हैं, आपके उस विजन को बढ़ा देता है। बहुत आठवां, दसवां, बारहवां में पढ़ने वाले हम छात्र हैं, लेकिन साधना की यह थोड़ी सी शक्ति हम में आ जाए तो हम बहुत बहुत दूर तक सोच सकते हैं। हमारे यहां बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने कोई अकादमिक शिक्षा नहीं ली, या अकादमिक शिक्षा बहुत सीमित थी, आठवां पास थे, लेकिन उनकी विजनरी सोच, उनकी दूरदर्शिता इतनी अधिक थी कि हम बड़े बड़े दार्शनिक उनके सामने फेल हो जाया करते थे। तो आपसे जो साधना स्वाध्याय की बात करते हैं, तो उसके पीछे का मूल उद्देश्य यही होता है कि आपकी सोच का दायरा विकसित हो। कलाम बार बार अपने कहते हैं, बड़े सपने देखा करो, बड़ी सोच का बड़ा जादू, कलाम की रचना है, कभी आप पढ़ करके देखेंगे।
बड़ी सोच क्या है, बैठ करके शेख चिल्ली का सपना बुनने वाला, वो बुनने की बात नहीं कर रहे हैं।